एक बार ड्राफ्टिंग सीख लेंगे तो आप ड्राफ्टिंग के बाद उसको डिज़ाइन को कैसे भी अपने हिसाब से यू कैन मॉडिफाई इट। आपको चाहिए फुल लेंथ जो कि वेस्ट से जहाँ आप पहनते हैं एंकल तक जितनी आपको लंबाई चाहिए वो होती है फुल लेंथ, 10 inches हिप्स या सीट जो कि है ये जो आपका हिप्स का वाइडेस्ट पार्ट होता है 33 inches, और बॉटम राउंड चाहिए हाफ ऑफ दिस आप ले लीजिए या फुल ले करके उसको हाफ कर दीजिए, तो 28 का मैं हाफ कर दूंगी विच कम्स आउट टू 14 inches। ऑप्शनली आप वेस्ट ले सकते हैं, वेस्ट मान लीजिए ये आपका कपड़ा है जिसको आपने डबल में ले लिया है टू लेयर्स में, यहाँ पर आपका फोल्ड है, यहाँ से आधा इंच सेलवेज से मैं अंदाजन ले रही हूँ, आप आधा इंच यहाँ से छोड़ दीजिए, ऊपर से आप मार्जिन छोड़ दीजिए 1-2 inch का, और तब हम निशान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फुल लेंथ ले लेंगे, फुल लेंथ हमारी है 40 inches, तो 40 inches में हाफ इंचेस और ऐड कर लिया तो 40.5 हो गया। बच्चों का साइज़ ले रहे हैं तो बच्चों का साइज़ आप 1-2 inch बढ़ा करके ही लें, ताकि उनको जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसको ऐसा ना हो कि आपने अभी पहना बनाया और अगले महीने वो टाइट हो जाए ड्रेस। और यदि आप किसी ग्रोनअप का बना रहे हैं तो यदि स्लिम है तो 13-14 इज़ द आइडियल, और यदि थोड़ा हैवी है हेल्थ 15 तक आप ले लीजिए। तो ऊपर से सीट की लेंथ इज़ हिप इंटू 4+3 inches, तो मैं करीबन इसको 11 इंचेस ले रही हूँ। हमने 11 हिप्स इंटू 4+3 inches ले लिया इसको, फिर हमने यहाँ से लेकर यहाँ भी हिप इंटू 4+2.5 inch ले लिया इसको, और इसे ऊपर से मिला दिया ये, और ये हमारा सेम रहेगा हिप इंटू 4+2.5 inch, और ये हमारा रहेगा हिप इंटू 4+3 inches। ओके, नाउ हम 2.5 inch यहाँ बढ़ाएंगे, 2.5 inch हमने यहाँ बढ़ाया, और यहाँ से करीबन 5-5.5 inch लेकर के जो कि हमारा सीट इंटू 6 है, दिस इज सीट यानी हिप्स इंटू 6, हिप्स इंटू 6 जो कि 5-5.5 होता है इंच, यहाँ से हमने जो ये निशान लगाया था इसी को हमने यहाँ से शेप दे दी। यहाँ से आप 3/4 inches बढ़ा लीजिए, दिस इज 3/4 inches, और इसको बढ़ाकर शेप दे दीजिए। नीचे से हमने बॉटम हमारा था 14 पर निशान लगाया और यहाँ से मिला दिया, ये है बॉटम इनटू हाफ, और हमने ये मैंने चौड़ा लिया है, आप इसको कम भी ले सकते हैं, जितना आपको कम या ज़्यादा करना है आप उसको उतना कर सकते हैं। ये हो गया फ्रंट पोर्शन आपका। बैक लेने के लिए हम 1/4 हिप्स प्लस 1.5 inch रखेंगे, हिप इंटू 4+1.5 inch आप ये ले लीजिए, और इसको 1/4 inches ऊपर लीजिए, 1/4 inches ऊपर लेकर के यहाँ इसे मिला दीजिए, सी लाइक दिस। और अब जो आपने ये पॉइंट बढ़ाया हुआ था 3/4 inch, इससे भी इसको मिला दीजिए, सी लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा शेप दे दीजिए,
नीचे आप 1 इंच बढ़ाइए, यहाँ से 1 इंच बढ़ा करके ऊपर वाली लाइन से मिला लीजिए। तो ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा निकाला है। ये हम बैक पोर्शन काट रहे हैं, दिस इज बैक पार्ट, और ये हमने पहला वाला जो काटा था वो फ्रंट था। ओके, नीचे हम फोल्डिंग के लिए जो फोल्ड करेंगे नीचे वो 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अब इसको हमने निशान लगा लिया, अब हम इसे काट लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक काटेंगे, इसमें भी आप सिर्फ आउटलाइन काटिए, देन यू कट द फ्रंट पोर्शन, नहीं तो आपके दोनों पार्ट गड़बड़े जाएंगे। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप चाहें तो इस लाइन को काटिए यदि आपने सेल्वेज से हट कर के लिया है थोड़ा, और यदि आपने नहीं लिया है तो फिर आप सेल्वेज के साथ यदि लेना चाहते हैं कि आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो यू कैन टेक इट एज इट इज़, आपको फिर यहाँ कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम पैटर्न बना रहे हैं, इसको रख करके हम जब कपड़ा रख के काटेंगे तो हम 1/4 इंच अलग से लेंगे बाहर, और ऊपर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इलास्टिक रख करके काटने के लिए। ये हमने बैक का काट लिया है, इस पार्ट को बाहर निकाल लीजिए, इस पार्ट को हटा के ये हो गया हमारा बैक एंड वी मार्क इट। ये हमारा जो है इसको हम सीधा कीजिए, सीधा काटिए इसे, इसकी शेप करते हुए। दिस इज फ्रंट। तो हम जब हम कपड़ा काटने लगेंगे तो हम इन पीसेस को रख करके पहले फ्रंट काट लेंगे, फिर बैक काट लेंगे, और ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा देंगे ताकि इलास्टिक डालने के लिए। एंड ये दोनों फ्रंट यहाँ से लाई लगेगी, फिर यहाँ से लाई लगेगी, फिर फ्रंट और बैक के ये दोनों साइड्स मिला लेंगे, और लाइकवाइज साइड के साइड्स मिला लेंगे, और ऊपर इलास्टिक दे देंगे, नीचे से 1.5 इंच मोड़ देंगे, एंड इट इज़ डन। आप इसको किसी भी तरीके से, किसी भी कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, कोई भी स्टाइल आप बनाना चाहते हैं।